जनपद संभल में जुम्मे की नमाज में किया गया लॉकडाउन का पालन, नवाजियों ने घर पर ही पढ़ी नमाज। कोरोना वायरस को देखते हुए देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है। इसी के तहत जनपद संभल में पूरा लॉकडाउन है। लॉकडाउन को देखते हुए कल मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं ने अपने समाज के लोगों से लॉकडाउन का पालन करते हुए घर पर ही नमाज पढ़ने की अपील की थी, जिसका पालन करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने घर पर ही नमाज पढ़ी और लॉकडाउन का पालन किया। इस दौरान मस्जिदें सूनी दिखाई दी। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद फहीम, नौशाही इमाम स्टेशन वाली मस्जिद, रेलवे स्टेशन रोड चंदोसी। जैसे कोरोना वायरस की हुकूमत ने 14 तारीख तक लॉक किया है, इस पर हमारा सबका अमल है और हमने अपनी मस्जिद से ऐलान किया है कि सिर्फ 4 या 5 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, बाकी सब लोग घरों पर नमाज़ पढ़ाएं। और उसी दिन से सभी लोग हमारे घरों पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। बस जैसे कि आज जुम्मे की नमाज़ होनी थी, तो जुम्मे की नमाज़ में कितने लोगों ने नमाज़ पढ़ी? 5 लोगों ने नमाज़ अदा की है। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे देशवासियों से? देशवासियों से हमारी अपील यही है कि सब लोग घरों पर नमाज़ पढ़ें और दूरी बनाए रखें, सुना, और प्रशासन और गवर्नमेंट का हमें साथ देना चाहिए।